हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं मासिक टेस्ट माह जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा और भी जो भी चीज़ स्टडी मटेरियल रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो पर बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 3 अध्याय तक जुलाई माह में मासिक टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अभी से इन सब प्रश्नों को याद करना शुरू कर दे। सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। पिछले बार ये अध्याय को रिड्यूस किया गया था कोविड पैंडेमिक की वजह से, 30% सिलेबस में कटौती किया गया था। इस बार स्कूल पूरे होंगे, 100% यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। तो सभी चैप्टर से प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। निषेचन को परिभाषित कीजिए। जनन की अच्छी विधि कौन सा है और क्यों? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसके नुकसान के बारे में बताइए। जुस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन के 4 लाभ लिखिए। परागण एवं निषेचन में 3 अंतर लिखिए। टैपिटम के कोई 3 कार्य लिखिए। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या है? पर परागण के 2 लाभ लिखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये सारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम पर 2023 के अच्छे स्कोर करने में भी मदद करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सके। प्रश्न क्रमांक 16, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करते? असंग जनन क्या है, इसका महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपिक बीजांड की रचना चित्र द्वारा समझाइए। मोस्ट आईएमपी है, आपको चित्र बनाने वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। भ्रूण कोश की चित्र आपको बनाना है। इसमें आपको टॉपिक दिया गया अंड कोशिका, ध्रुवी केंद्र, सहायक कोशिकाएं, पर परागण चित्र बनाते हुए अंकुरण छिद्र, अंतः चोल और केंद्रक को आपको दर्शाना है। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के निगमन में कौन से हार्मोन सम्मिलित होते हैं, उसके नाम बताना है। शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। प्रसव पास्टुरिएशन हार्मोन क्या होता है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो अप कर लीजिए। सारी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। आर्तव चक्र मेनस्ट्रुएशन पीरियड क्या होता है उसके बारे में आपको बताने हैं। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। परख नली शिशु किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मानव समाज में इसके क्या लाभ है? भ्रूणी विकास से आप क्या समझते हैं? इसके विकास की विभिन्न क्रम को लिखिए। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। मानव के नर जनन तंत्र का आपको चित्र या तो वर्णन करने के लिए आपको देखने को मिल सकता है। मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नली का या फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होता है और इसका महत्व क्या है? तो ये 3 चैप्टर तक के मासिक टेस्ट में पूछे जाएंगे।
त्रैमासिक भी होगा, हर महीने मासिक टेस्ट होगा, उसके लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न इसी चैनल पर बताया जाएगा। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।